इस खबर के प्रायोजक हैं ग्रामोदय इंटरनेशनल कॉलेज मऊरानीपुर, क्षेत्र का सर्वोत्तम शिक्षण संस्थान, और सह प्रायोजक हैं मोती महिला महाविद्यालय मऊरानीपुर, गुप्ता ट्रैक्टर एजेंसीज मऊरानीपुर, होटल पीएल गेस्ट हाउस मऊरानीपुर, श्रीराम महाविद्यालय बंगरा। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में रूस से विद्यार्थियों का एक दल झांसी विश्वविद्यालय हिंदी सीखने आया था। इसमें उन्होंने हिंदी का प्रशिक्षण लिया। इस दौरान वह पत्रकारों से मुखातिब हुए और अपने अनुभव साझा किए। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में हिंदी सीखने के लिए रूस से आई छात्राओं ने शनिवार को धड़ल्ले से जब हिंदी बोली तो सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। रूस से आए इन विद्यार्थियों के दल में शामिल अरीना तथा क्रिस्टीना ने धारा प्रवाह हिंदी में पत्रकारों से बातचीत की। इन छात्राओं ने बताया कि उन्होंने यहां पर आकर न केवल हिंदी सीखी बल्कि भारतीय भोजन बनाने की पद्धति को भी सीखा है। उन्होंने गाँव खेत आदि के जीवन के बारे में भी जानकारी की। पारंपरिक भारतीय वेशभूषा में पत्रकारों के सामने आई इन छात्राओं का कहना था कि उन्हें भारतीय वेशभूषा बेहद पसंद आई है। इन छात्र छात्राओं ने बताया कि जब वह ओरछा के हनुमान मंदिर में गई तो उन्हें वहां का वातावरण बहुत अच्छा लगा। यह छात्राएं भविष्य में अनुवादक के रूप में अपना करियर बनाना चाहती हैं। मेरा नाम क्रिस्टीना है, क्रिस्टीना कुमार। इंडिया में आई है, क्या सीखने आई है? हिंदी सीखने के लिए और हिंदी संस्कृति सीखने के लिए, हिंदुस्तानी लोगों से मिलने के लिए। क्या सीखा आपने यहाँ? मैं हिंदी भाषा, मैंने हिंदी भाषा सीखा, हिंदुस्तानी खाने के बारे में, कैसे खाना पकाया जाता है, कैसे गांव में जिंदगी के बारे में कुछ, और खेत के बारे में, अलग अलग चीज़ों के बारे में। आप मंदिर में क्या सीखा जाता है? हाँ, मैं मंदिर गई, हनुमान मंदिर जो ओरछा में है, और वहाँ का वातावरण बहुत शांत है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप भारतीय परिधान पहन रही हैं, मतलब वस्त्र यहाँ के पहनने कैसा लग रहा है? मतलब भारतीय कपड़ा, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, खासतौर पर साड़ी औरतों के लिए सबसे अच्छा कपड़ा है। साड़ी जो भी औरत है, साड़ी उसको बहुत ज़्यादा सुंदर बनाते हैं। दिसंबर को ये बच्चे सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल रूस से आए, रूस के सहयोग से और हैम्बर्ग विश्वविद्यालय जर्मनी के सहयोग से ये बच्चे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में 27 दिसंबर को आए, और आने के बाद जनवरी 27 को हमारे बीच आए, और तब से लगातार ये हमारे बीच बने हुए हैं। इसमें इन्होंने भारतीय संस्कृति सीखी, भारतीय खान पान व्यवस्था सीखी, भारतीय वस्त्र विधान सीखा, भारतीय मूल्य और परंपराएं सीखी, भारतीय मंदिरों को देखा, भारतीय ऐतिहासिक स्थलों को देखा, और इसके साथ ही साथ विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों का भ्रमण किया, और अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि इनके भीतर भारतीय संस्कृति के प्रति एक मोह पैदा हुआ है, भारतीय संस्कृति को जानने का की उत्कंठा पैदा हुई है, और ये आगे भी भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने में योगदान देंगे। झांसी ही में उन्होंने बहुत कुछ उन्होंने सीखा कि यहाँ का खाना कैसे बनता है। वो उनको रूबरू तो हिंदी भाषा के साथ संप्रेषण में भाग लेने का मौका मिला है। वो बच्चों के साथ उन्होंने यहाँ के पाठ्यक्रम के बारे में उन्होंने बात की है। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे बच्चे को पता चला कि यहाँ पढ़ाई कैसे होती है, क्या क्या विषय यहाँ के बच्चे सीखते हैं, यहाँ के विद्यार्थियों का क्या 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 ज्ञान है उनके अपनी संस्कृति के बारे में और विश्व भर के बारे में और हमारे अपने देश के बारे में वो ये लोग क्या जानते हैं, ये उन्होंने सीखा। ये भी सीखा कि यहाँ का आतिथ्य कैसा है, कि कितने घर ये हम सब गए थे, वो हमें डिनर लंच पर हमें वो आमंत्रित किया गया, और ये भी उन्होंने सीखा कि गुरु शिष्य परंपरा किया है, कि जैसे यहाँ के अध्यापक उनके गुरु हो गए हैं और वो अपने
शिष्य महसूस न कर रहे थे, जैसे वो तिवारी जी ने वो तो अपने हर वो हर जगह उनके ब्राह्मण में उन्होंने मदद दी, प्रोफेसर सी डी सिंह जी ने और प्रोफेसर जी ने। झांसी से मनीषा लेके रिपोर्ट। सपनों को तभी मिलेगी उड़ान, हम तभी होंगे कामयाब जब होंगे हम शिक्षित। क्षेत्र का एकमात्र महिला महाविद्यालय मोती महिला महाविद्यालय, छतरपुर रोड मऊरानीपुर। विद्यालय प्रबंधक हरिश्चंद आर्य। यहाँ छात्र छात्राओं को मिलता है अपनापन, टीचर बनकर नहीं इनके दोस्त बनकर हम देते हैं एजुकेशन, ताकि रोशन हो इनका आने वाला कल। वी विल गिव द फैमिलियर एजुकेशन, स्पोर्ट्स, माइंड गेम, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड मच मोर देन एजुकेशन टू बिल्ड हिज फ्यूचर। द ग्रामोदय इंटरनेशनल कॉलेज, झांसी रोड, मऊरानीपुर। किसानों का साथी आयशा ट्रैक्टर्स। आयशा का वादा उम्मीद से ज्यादा, ज्यादा पीटीओ एचपी, ज्यादा हाइड्रोलिक क्षमता, ज्यादा कमाई और ज्यादा भरोसा। गुप्ता ट्रैक्टर एजेंसी, टॉप राइटर शुभम गुप्ता, पठावाले वैद्य, झांसी रोड, मऊरानीपुर। कोई भी ना हो शिक्षा से वंचित, ऐसा संकल्प है हमारा। श्री राम महाविद्यालय बंद्रा, संस्थापक एडवोकेट रविपाल सिंह यादव, अध्यक्ष अरविंद सिंह यादव, प्रबंधक इंजीनियर चंद्रपाल सिंह यादव, प्राचार्य डॉक्टर संजीव कुमार श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह यादव। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी से संबद्ध। शादी हो या कोई समारोह, या करना हो जन्मदिन की पार्टी, आपके स्वागत के लिए हमेशा तैयार होटल पीएल, नगर का सर्वोत्तम गेस्ट हाउस। फूल सिंह यादव, पीएल गेस्ट हाउस, मऊरानीपुर।